हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खूबसूरत फूलों वाले प्लांट की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नास्टर्टियम की। नास्टर्टियम बेहद ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है। ये देखिए, एक ही प्लांट है ये और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स हैं। मैंने ये सीड्स ऑनलाइन मंगवाए थे। ये इसका पैकेट है और इसके अंदर लगभग 12 या 13 सीड्स निकले थे। ये कॉम्बो पैक था जिसमें ढेर सारे फ्लावर के सीड थे। कोकोपीट, मिट्टी और खाद तीनों के मिश्रण में हम इस प्लांट के बीज को लगा देंगे और आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद लगभग हमारा प्लांट कुछ इस तरह हो जाएगा। इस प्लांट की दो वैरायटी होती है, एक बिल्कुल सिंपल रहती है जिसकी पत्तियां प्लेन रहती हैं ग्रीन कलर की, और एक इस वैरायटी का रहता है जिसकी पत्तियां कुछ इस तरह रहती हैं जिसमें हल्का वाइट कलर। जब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं रहती तब तक भी ये बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। फिर हम देखेंगे कि लगभग 15 दिन यानी हमारे बीज लगाने के 1 महीने के बाद इसमें थोड़े थोड़े फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरह से केयर करेंगे तो कम से कम 4 महीने तक ये बहुत अच्छे से फूल देता रहेगा। एक बार इसके फूल आ जाएं, उसके बाद जैसे ही फूल मुरझाने लगे आप उस स्टेम को कट कर दीजिए ताकि हमारे प्लांट की एनर्जी बीज बनाने में खर्च ना होकर फ्लावर्स की नई नई कलियां बनाने में खर्च हो। ये इतना खूबसूरत फ्लावर प्लांट है कि आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं, आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसकी केयर अच्छी होना चाहिए, यानी इसे समय समय पर आप पानी डालें, खाद आप कम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसे गर्मी का मौसम छोड़ के किसी भी मौसम में आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है। इसके फ्लावर इसी तरह बहुत ही ब्राइट कलर के साथ हमेशा खिले रहेंगे। सितंबर अक्टूबर के समय आप इसके बीज डाल दीजिए, आप देखेंगे कि पूरी सर्दी भर आप का फ्लावर प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से खिलता रहेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसमें बहुत ही अच्छी महक आती है। रात के समय यानी शाम होते ही इसमें बहुत ही भीनी भीनी महक आती रहती है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। उसके बाद आप इसमें कुछ स्टेम छोड़ दीजिए ताकि हमारे लिए नए प्लांट के लिए हम इसमें बीज तैयार कर सकें। ये इसके बीज हैं जो अभी छोटे हैं और बड़े होने पर ये बीज कुछ अपने आप ही गिर जाते हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि जब इसके बीज बड़े हो जाएं तो आप इन्हें तोड़कर रख लीजिए और कम धूप वाली जगह में अच्छे से सुखाकर रख लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में हम इसके नए नए प्लांट तैयार कर सकें। नास्टर्टियम कई कलर में पाया जाता है, जैसे ऑरेंज है, येलो है, रेड है और भी कुछ लाइट येलो है। ये एक ही बीज है, आप इसे 3 या 2 बीज समझने की गलती ना करें क्योंकि इसकी वैरायटी और इसका आकार प्रकार ही ऐसा होता है। तो ये था खूबसूरत फूलों वाला प्लांट नास्टर्टियम। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी दिन किसी नई वीडियो में किसी नए फ्लावर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।